कहने का मतलब जो देवर जो भावी तो बड़ा मौज लेते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया बैठे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन जो 21 आतक ही हैं जो बताओ जिन्हें ले जाओ घर में तो कैसे ले जाओ, गेट वेट भराओ करिए का करियो। जैसे ही बलराम भैया भगवान कन्हैया की ये बात सुनी भैया हाँ चलो कोई बात ना गेट भी तोड़ दिया जाएगा लेकिन एक तो लेटाया कहाँ जाएगा है? क्या आ जाओ भैया आ जाओ सामने आ जाओ। अरे इधर आओ क्या कह रहे हो? गेट तोड़ दिया जाएगा कोई बात नहीं लेकिन इनको लिटाया कहाँ जाएगा? लिटाया हाँ कैसा हाथ की है इनके लिए कम से कम दाएं हाथ का तो पलक होना चाहिए। कहाँ वगैरह लला ऐसो है अब तो हमारी दादा हंसी मत करो। अबे हाई है तुम्हारी धर्म पत्नी तुम तुम्हारी को देख लिया ठीक है। आशी भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे तो गति के पास में आए। कहा जैसे ही भगवान कन्हैया की बात सुनी तो भगवान ने क्या किया बलराम ने कि हाथ में हल और मुसल लिया और मुसल से थोड़ी थोड़ी ठोंक लगा दी जिससे मैया रेवती ही वो बलराम के बराबर आ जाती है। इतना देख करके रेवती को बड़ी शर्म लगी तो उनने घूंघट मालव डेढ़ा तब शर्म की वजह से। और आपने देखा होगा कि किसी भी तीर्थ यात्रा में जाना पार्वती मैया भोले के संगे मिले, लक्ष्मी मैया ब्रह्मा जी के संगम मिले, विष्णु के संगे मिले और ब्रह्माड़ी मैया